मसीह में आप सबको सलाम मेरे भाइयों, मेरी बहनों। खुदा आप सबको बरकत दे। वीडियो शुरू करने से पहले, ये ऊपर आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट जो है ये YouTube पर चैनल है क्रेजी फैमिली। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करें और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। और आज जो हम बात करेंगे, ये चैनल जो है इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। तो जो भी नया दोस्त साथ जुड़ रहा है वो साथ बैल को भी ज़रूर दबाए, ताकि हम जो भी राग करें, जो भी गीत करें, वो आप सबके पास पहुँचे। तो आज जो हम राग करेंगे ये राग है राग केदार। फुल डिटेल के साथ इस राग को हम आज करेंगे। इसका वादी संवादी न्याज के सुर कौन कौन से हैं, और ये राग जो है ये राग केदार जो है इसमें छोटा ख्याल भी गाया जाता है, बड़ा ख्याल भी गाया जाता है, ठुमरियाँ तराने भी इसमें गाए जाते हैं। तो ये राग काफ़ी बड़ा है, मतलब के है छोटा सा राग है, लेकिन काफ़ी इसकी ना जो अंदाज़ है इस राग का, इसमें डबल माँ लग रहा है, शुद्ध भी लग रहा है, तीव्र भी लग रहा है। तो कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ कि आप सबको अच्छे तरीके से समझाया जाए, बताया जाए। तो जिस दोस्त को भी कोई राग चाहिए, गीत चाहिए, तो वो कमेंट में ज़रूर बताया करे। तो यकीनन मैं जो कमेंट में आता है वो मैं ज़रूर करता हूँ। ठाट जो है इस राग का, केदार का, वो है कल्याण। तो वादी सुर जो है इसका माँ है, संवादी सुर इसका सा है, ऊपर वाला तार सप्तक का जो सा है वो वाला इसका सा है। तो मतलब के राग को सजाना, सजा कर गाना, ये बहुत ही आपके लिए बेहतर और अच्छा है। न्याज के जो सुर हैं इसके, सा मा पा, तो ये साथ साथ आप लिख कर भी रख लें, लिखा हुआ आपके पास बहुत बेहतर रहेगा। तो जाति जो है इसकी वो है औड़व शाड़व, मतलब के अरो में 5 सुर हैं, अवरोह में 6 सुर हैं। तो मतलब के सा से ये शुरू होगा, माँ पर जाएगा, माँ से पा पर जाएगा। तो इस तरह इसकी मतलब के ना अरोह में 5 सुर, अवरोह में 6 सुर। पहले हम इसका अरोह देखेंगे। अरोह ऐसे है, सा मा अंग जो है इसका वो ऐसे है, सा मा मा पा धा पा मा पा धा पा मा रे। तो पकड़ भी बहुत जरूरी होती है राग में। राग की पकड़ आपको पता होगा तो फिर आपको मतलब बेहतर समझ आएगी। राग को सजा कर गाना बहुत अच्छी बात है। मैंने अकेली अकेली सुर बताई है और आप ज़रूर इसको कीजिएगा। तो जो मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट दिखाया है उसका ज़रूर आप लोग उस चैनल को फॉलो कीजिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।